हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपीटेड सीरीज को सॉल्व करने का ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको बीच बीच में खाली स्थान है, इन खाली स्थान को आप इस तरह से भरें कि एक सीरीज बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कभी भी ऑप्शन का यूज ना करें। ऑप्शन से इसे सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहला गलती तो यही स्टूडेंट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दूसरा गलती कहां हम करते हैं? दूसरा गलती हम ये करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता ही नहीं होता है कि कितने कितने का पेयर बन रहा है। ठीक है, कितने कितने लेटर का यहां पर पेयर बन रहा है, ये हमें अगर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेटर काउंट कर लेना है कि टोटल कितने लेटर है। ठीक है, जैसे यहां पर हम टोटल लेटर को काउंट अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल यहां पर 12 लेटर। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि कितने कितने का पेयर बन रहा है? देखिए, लेटर काउंट करने के बाद यहां पर आप देखें, यहां पर 12 लेटर है टोटल। ठीक है, तो इसमें कितने कितने के पेयर बन सकता है? इसमें या तो 3-3 का 4 पेयर बन सकता है, या तो 4-4 का 3 पेयर बन सकता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए लेटर काउंट करने के बाद यहां पर अगर 15 लेटर आ रहा है टोटल, तो यहां पर या तो 3-3 का 5 पेयर बनेगा, या तो 5-5 लेटर का 3 पेयर बन सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर 16 लेटर है तो 16 लेटर का 4-4 का 4 पेयर बनेगा, 4-4 लेटर का 4 पेयर बनेगा। ठीक है, अगर 18 आ रहा है तो 3-3 का 6 बन सकता है, या 6-6 लेटर का 3 पेयर बन सकता है। अगर टोटल 20 लेटर आ रहा है तो 4-4 का 5 बनेगा, या 5-5 का 4 बनेगा। ठीक है, तो आपको ये पेयर बनाना समझ में आ गया है कि सबसे पहले हम पेयर कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो यहां पर इसे जब हमने काउंट किया था तो आया था टोटल 12 लेटर। ठीक है, तो 12 लेटर में हम या तो 3-3 का 4 बना सकते हैं, या 4-4 का 3 पेयर बना सकते हैं। तो यहां पर 3-3 का 4 पेयर हम बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो 3-3 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर 1 2 3, ठीक है, यहां पर 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो 3-3 का हमने 4 बना लिया। अब देखिए, अब हमें लेटर किस तरह से रखना है। देखिए, सबसे पहला पेयर और दूसरे पेयर में कंपेयर करें आप। ठीक है, पहले दूसरे में कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देखें, यहां पर बी के बाद है सी, तो यहां भी हम पहले खाली स्थान पर हम बी के बाद सी रख लेंगे। ठीक है, उस तरह से अगर पहले में आप देखें कि बी के पहले ए है, यहां भी बी के पहले हम ए रख लेंगे। तो यहां पर आप देखें कि पैटर्न हमारा किस तरह से बन रहा है, ए बी सी का बन रहा है। ठीक है, तो हर जगह ए बी सी हम रख के देखेंगे। तो यहाँ ए है, दो खाली स्थान है, बी और सी हम रख लेंगे, यहाँ ए बी है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह का हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया है ए बी सी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ए बी सी सी। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेटर काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पर है 16 लेटर। तो कितना पेयर बनेगा, यहाँ पर 4-4 का 4 पेयर बनेगा। ठीक है, तो 4-4 पेयर में, 4-4 लेटर के पेयर में इसे हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4 हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसे कैसे हमें सॉल्व करना है, पहले पेयर को दूसरे पेयर से पहले हमें कंपेयर करके देखना है कुछ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, देखिए यहां पर ईजी है, यहां भी ईजी है। ठीक है, यहां पर आप अगर देखें कि E के पहले F है, ठीक है, E के पहले F है, तो यहां भी खाली स्थान पर हम E के पहले F लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर आप देखें पहले स्थान पर यहां पर H है, तो यहां हम H लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें पैटर्न हमारा किस तरह का बन रहा है, H F E G का बन रहा है। ठीक है, तो हर जगह हम H F E G रखकर देखेंगे। तो यहां पर देखें, यहां पर H है, यहां पर खाली स्थान है, तो यहां पर हम F रख लेंगे। ठीक है, H F E G हो गया, और यहां पर लास्ट में यहां पर खाली स्थान, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा E के बाद G। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एफ एच एफ जी, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दो एग्जांपल हमने इस तरह का देखा कि पहले पेयर और दूसरे पेयर में हम कंपेयर करके अगर देखते हैं तो दोनों एक जैसा होता है, आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह का देखेंगे कि पहले पेयर और दूसरे पेयर में कोई अगर संबंध ना हो, दोनों एक जैसा ना हो, तो हम क्या करेंगे।
तो तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर को काउंट करेंगे, कितना लेटर है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पर कुल 16 लेटर हैं, यानी कि चार चार का चार पेयर यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार चार पेयर में हम इसे बांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया चार चार का चार पेयर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे पेयर में मिलान करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एल एम है, तो यहाँ पर एल के बाद एन है यहाँ पर, यानी ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो पा रहा है तो आप जस्ट आगे वाले से देखें, आप तीसरे में हम देखेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए आप, यहाँ पर L है, L के बाद M है, तो यहाँ पर L है, L के बाद M हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर N है तो यहाँ भी N हो सकता है, ये दोनों आपस में कंपेयर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे L के बाद M है तो यहाँ भी हम L के बाद M रख लेंगे, ठीक है। M के बाद यहाँ N हो रहा है तो यहाँ पर M के बाद N हम रख लेंगे, यहाँ N के बाद O हो रहा है, यहाँ N के बाद O हम रख लेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले का संबंध तीसरे से है, ठीक है। अगर पहले का संबंध तीसरे से है तो दूसरे का संबंध जरूर चौथे से होगा, ठीक है। तो दूसरे का देखिए आप चौथे से हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी एन एम है और यहाँ भी एन एम है, एम के बाद ओ होता है तो एम के बाद यहाँ पर ओ हम रख लेंगे, और सबसे पहले लेटर में हम एल एम एन ओ एल लिखते हैं तो यहाँ पर एल लिख देंगे और यहाँ भी एल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन एल ओ एम ओ एल। तो अब चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम ये करेंगे, लेटर को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल यहाँ पर 20 लेटर है, यानी कि चार चार का पांच पेयर बन सकता है और पांच पांच का चार बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चार चार का पांच पेयर बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बांट लिया है चार चार के पांच पेयर में, ठीक है। उसके बाद पहले और दूसरे में हम मिलान करके देखेंगे कोई संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ए के बाद बी है, यहाँ ए के बाद ए है, यानी ये संबंध नहीं बन रहा है। तो उसके बाद हम अगले वाले से देखेंगे, हम तीसरे वाले से देखेंगे पहले और तीसरे में कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ भी ए के बाद बी है और यहाँ ए के बाद ए है, अगर आपको तीसरे में भी नहीं हो रहा है तो आप चौथे वाले से कंपेयर करके देखें, अगर दोनों में संबंध स्थापित होता है तो बन सकता है, ठीक है। तो चौथे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर यहाँ ए के बाद खाली स्थान है और यहाँ ए के बाद ए है, उसके बाद बी सी है, यहाँ भी बी सी हो सकता है, यानी पहले और चौथे में संबंध स्थापित हो सकता है। तो यहाँ पर पहले और चौथे को हम बना के देखेंगे, यहाँ ए के बाद ए है, यहाँ ए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर बी के बाद सी है, यहाँ भी बी के बाद सी हम रख देंगे, ठीक है। पहले का संबंध हुआ चौथे से तो दूसरे का होगा पांचवे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें दूसरे का अगर पांचवे से हो रहा है तो यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान दोनों सेम है, यानी दोनों के जगह एक ही कोई लेटर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर का पहला लेटर है सी, ठीक है, दूसरा लेटर हमें पता करना है और चौथा पता करना है और तीसरा लेटर हमारा ए, ठीक है। तो दूसरे और चौथे पर कोई एक ही लेटर होगा, ठीक है, दूसरे चौथे पर कोई एक ही लेटर होगा। तो ऑप्शन में आप देख लें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आप देखें, यहाँ पर पहला लेटर सी है और तीसरा लेटर ए है और दूसरे और चौथे स्थान पर एक ही लेटर है बी, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, यही ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ भी हो जाएगा बी और यहाँ भी हो जाएगा बी। तो अब चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लेटर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर 15 लेटर है, यानी तीन तीन का पांच बन सकता है और पांच पांच का तीन बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम तीन तीन का पांच बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर तीन तीन में अगर हम बांटेंगे, उसके बाद अगर हम कंपेयर करेंगे पहले दूसरे में तो कोई संबंध नहीं है, तीसरे से भी पहले का कोई संबंध नहीं है, चौथे से भी नहीं होगा, पांचवे से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जब किसी से संबंध स्थापित हो ही नहीं रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि तीन का पांच ही बने, पांच का तीन भी तो बन सकता है। तो बस पांच का तीन बनाकर आप देखें, जैसे आप पांच का तीन यहां पर बनाकर देखेंगे तो यहां पर आप देखें संबंध स्थापित यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर इस यहां पर संबंध स्थापित अब हो गया है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लास्ट में यहां पर देखें डबल सी है, यानी यहां भी सी होगा और यहां भी सी हो जाएगा, ठीक है, यहां भी सी हो जाएगा, यहां भी सी हो जाएगा। और यहां पर आप देखें यहां पर दूसरे लेटर में ए हो रहा है तो यहां भी दूसरे लेटर में ए होगा, यहां भी दूसरे लेटर में ए हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरे लेटर में बी है, यानी कि यहाँ पर लास्ट में तीसरे लेटर में बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ए सी ए सी ए बी। तो देखिए दोस्तों, ये था टाइप 1, अब चलिए हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह का पैटर्न बनता है, देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि 1, 2, 3 दिया, ठीक है, 1, 2, 3 दिया, यहाँ तीन लेटर है, इसी तीन लेटर को आपको घुमा फिरा कर दिया होगा। जैसे यहाँ पर पहले 1, 2, 3 है, उसके बाद 3, 2, 1 होगा,
उसके बाद 2 3 1 होगा और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या बनेगा, पहले का संबंध चौथे से बनेगा, दूसरे का पांचवे से बनेगा, तीसरे का छठे से बनेगा, ठीक है। उसी तरह से ए बी सी होगा, ए बी सी के बाद सी बी ए होगा, उसके बाद बी सी ए होगा, तो आपको देखकर ये पता चल जाएगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले से हम काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ आएगा 15 लीटर। 15 लीटर का मतलब है हम 3 3 का 5 यहाँ पर बनाकर सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पर बांट लेंगे 3 3 का 5 पेयर, ठीक है। उसके बाद हम पहले का संबंध देखेंगे दूसरे से है कि नहीं, तो दूसरे से यहाँ पर नहीं है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी है। तीसरे से देखेंगे तो तीसरे से भी नहीं हो रहा, चौथे से देखेंगे तो चौथे से हो सकता है, यहाँ पर ए और सी है, बीच में खाली स्थान, यहाँ भी ए हो सकता है, तो यहाँ हम ए लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए के बाद बी है, यहाँ ए के बाद बी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ए बी सी हो गया, यहाँ ए बी सी होगा, पहले का संबंध चौथे से हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे का संबंध पांचवे से होगा, यहाँ सी है, यहाँ सी है। तो यहाँ पर आपको देखने से ये लग रहा है कंटिन्यूअस सीरीज का ये पैटर्न बन रहा है, तो ए बी सी है, इसी को घुमाकर दिया हुआ है, तो यहाँ सी ए है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ भी बी हो जाएगा, यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान पर सी हो जाएगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी सी बी बी। तो अब चलिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए इसे हम पहले काउंट कर लेते हैं। तो इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर कुल 12 लेटर है, यानी 3 3 का 4 पेयर बन सकता है और 4 4 का 3, तो 3 3 का 4 पहले हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने बांट लिया है 3 3 के 4 पेयर में। तो अब हम यहाँ पर पहले और दूसरे में कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पर ई और जी है, तो यहाँ पर ई और जी है, तो ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है, तो हम तीसरे से देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरे में देखें आप, लास्ट में एफ जी है, यानी लास्ट में जी है और यहाँ भी जी है, जी के पहले एफ है, तो यहाँ भी जी के पहले एफ हम रख लेंगे, यानी पहले का संबंध है तीसरे से, ठीक है। पहले का संबंध तीसरे से है, तो दूसरे का चौथे से होगा, यहाँ ई एफ जी बन रहा है, यहाँ ई एफ जी बन रहा है, यहाँ एफ है, यहाँ ई है, तो यहाँ जी होगा, तो ये एफ जी ई होगा, तो यहाँ चौथे में आप देखें, चौथे में क्या है, एफ और ई है, बीच में खाली है, बीच में होगा जी, तो यहाँ ई एफ जी है, उसके बाद एफ जी ई है, उसके बाद ई एफ जी है, उसके बाद एफ जी ई है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ जी ई और जी। तो आप चलिए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, यानी इस तरह का प्रश्न होगा जो खुद आप देखकर ही, खुद ऑब्जर्व करके इसका आंसर बता सकते हैं, ना ही लेटर काउंट करना पड़ेगा और ना ही आपको पेयर में इसे बांटना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का होगा, जैसे एक सीक्वेंस में दिया होगा ए बी सी डी या ए ए बी बी सी सी, इस तरह का होगा, या ए ए ए होगा, बी 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 या सी 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 होगा, इस तरह का प्रश्न होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने ही से लग रहा है कि देखिए डबल एम, फिर एन एन है, फिर यहाँ पर एम एम है, एन एन है, यानी एम एम साथ में है, एन एन साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर एन के पहले हम एन रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एन एन हो गया, यहाँ एम एम हो गया, यहाँ एन है, फिर एक एन यहाँ हम रख लेंगे, फिर एन एन हो गया, फिर एम एम हो गया, फिर एन एन है, फिर यहाँ पर एम है, यानी एक एम यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम का सीरीज बन रहा है, तो इसे हम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लेटर को काउंट किए, बिना पेयर को डिवाइड किए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।